नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास सेवेंथ की हिंदी। क्लास सेवेंथ की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग दो का चैप्टर 9। और ये है एक कहानी जो बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी कहानी है, जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। तो आप देख सकते हैं छोटी सी चिड़िया की बच्ची की ये कहानी है। और आप देखना, ये चिड़िया की बच्ची आपको लास्ट में एक कितना बड़ा मैसेज देने वाली है, एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक संदेश आपको देने वाली है छोटी सी चिड़िया की बच्ची। तो हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को। बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझने की जरूरत है। एक एक पॉइंट पे आपको, जब आप प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपको एक एक चीज, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कहानी को इमेजिनेशन करके पढ़ेंगे, अगर कहानी को बिल्कुल समझ कर पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस कहानी को पढ़ने में। तो रेडी हो जाइए आप सभी, और अगर रीडिंग भी करेंगे तो हैंड रेस करेंगे अपना अगर रीडिंग करना चाहते। शुरू करते हैं हम अपनी कहानी को। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनाई है। माधवदास जो है वो गांव का एक बहुत ही रिच, यानी कि एक अमीर आदमी है, रिच अमीर आदमी है एक। तो उसने अपने लिए संगमरमर की एक कोठी बनाई है, संगमरमर की एक कोठी बनाई है उसने। और उसके सामने बहुत बड़ा, एक बहुत ही बड़ा, एक सुहावना, एक प्यारा सा बगीचा है। उसके सामने क्या है, एक बहुत बड़ा प्यारा सा बगीचा है। और उसको कला से बहुत प्रेम है। जो माधव दास है उसने एक बहुत बड़ी अपनी एक संगमरमर की हवेली बनाई है, कोठी बनाई है। और उस कोठी के सामने आगे की तरफ बहुत बड़ा सुहावना सा बगीचा है, जिस बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, फलों के पेड़ हैं, फूलों के पेड़ हैं, और बहुत सारे और भी जो औषधि वाले गुण, औषधि गुण वाले पेड़ पौधे होते हैं वो भी हैं। तो इस तरह से उसको कला से बहुत प्रेम है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा, जैसे म्यूज़िक, गाना, संगीत, नृत्य, इन सभी चीज़ों से उसे बहुत प्रेम है, उसे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात, धन की कोई कमी नहीं है उसके पास, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, यानी कि पैसा भी खूब है उसके पास। और व्यसन कोई छू नहीं गया। व्यसन, व्यसन क्या होता है, व्यसन होता है जैसे किसी चीज की लत लग जाना, जैसे होती है ना कि अब को किसी को चाय की लत लग जाती है, किसी को कॉफी की लत लग जाती है, किसी को धूम्रपान करने की लत लग जाती है, किसी को जो मुंह में डालते हैं जो तंबाकू, उसकी लत लग जाती है। तो ऐसे उसके अंदर कोई भी व्यसन नहीं है, कोई भी गलत न वो काम नहीं करता, ना तो वो मदिरा का सेवन करता है, ना तो वो धूम्रपान करता है, और ना ही वो तंबाकू का सेवन करता है, और ना ही कोई अन्य व्यसन उसके अंदर है। यानी कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ बहुत बढ़िया है माधव दास का। यानी कि माधव दास के पास एक कोठी भी है, उसके पास एक ब्यार, और वो कला को प्रेम करने वाला भी है, और उसके पास धन की कोई कमी भी नहीं है। और सबसे मेन चीज होती है, देखिए, अगर सब कुछ है आपके पास, लेकिन अगर आप किसी व्यसन में डूबे हैं, अगर आप धूम्रपान करते हैं, अगर मदिरा पान करते हैं, अगर अगर अन्य कोई व्यसन आपके अंदर है, अगर कोई अन्य बुराई आपके अंदर है, तो ये जो सारी धन दौलत है, ये जो सारा कला प्रेम है, या जो भी चीजें आपको पसंद, ये कोई मायने नहीं रखता, ये कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि जो भी धूम्रपान है, मदिरापान है, या जो भी चीज़ें ये व्यसन है, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को और हमारे जीवन को, दोनों को ही खराब करते हैं। ठीक है, तो अब ये सब में से कुछ भी ऐसा माधव दास के पास नहीं है, यानी कि माधव दास बिल्कुल भी व्यसनों से बहुत दूर है। सुंदर अभिरुचि का आदमी है, यानी कि उसकी जो अभिरुचि है, उसकी जो रुचि है, वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों में है। वो एक अच्छी सुंदर अभिरुचि वाला इंसान है, उसकी रुचि अच्छी अच्छी चीज़ों में है। फूल पौधे
रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है, यानी कि उनको फूल पौधे देखना, पेड़ पौधे देखना, और जो रकाबियों से जो हौज होती हैं, यानी कि जो फव्वारे लगे रहते हैं, फाउंटेन्स जो होते हैं, उन फाउंटेन्स से जो पानी ऊपर को निकलता है वो पानी देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और समय भी उनके पास काफ़ी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कई बार होता है कि आपके पास सारे सुख के संसाधन हैं, सब कुछ है, लेकिन समय नहीं है उसको एंजॉय करने के लिए, उसको अपने जीवन में उसकी खुशी को महसूस करने के लिए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि समय भी उसके पास काफ़ी है, यानी वो चीज़ों को एंजॉय भी करता है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है, शाम का समय होता है जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है। शाम के समय आसमान कैसा हो जाता है? हल्का नीला होता है, कहीं पर पीला होता है, कहीं पर ऑरेंज होता है, कहीं पर बादल होते हैं तो वाइट होता है, तो कई अलग अलग रंगों का आसमान जब हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवा कर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की उस छटा को निहारते हैं। तो माधव दास जी का जो सुखमय जीवन है वो इस तरह से व्यतीत हो रहा है कि उनके पास संगमरमर की कोठी है, उनके पास बगीचा है, उनको कला प्रेमी वो हैं, व्यसन उनको कोई नहीं है, और उनकी जो चॉइसेस हैं, उनके जो पसंद है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी हैं, उनको ऐसी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पसंद हैं जो प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं। दूसरी बात, वो शाम समय भी उनके पास बहुत है उन सभी चीज़ों को एंजॉय करने के लिए, उन सभी चीज़ों को जीने के लिए। तो शाम के समय में वो जब धूप चली जाती है तो वो अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और अपने चबूतरे पर तख्त डलवाकर बैठ जाते हैं और प्रकृति की इस छटा को निहारते रहते हैं। मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है और ऐसा लगता है कि प्रकृति की इस छटा को देखकर उनके मन को तृप्ति मिलती है। तृप्ति यानी कि संतुष्टि मिलती है, उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, उन्हें बहुत सुकून मिलता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते, नहीं तो पास रखे फर्शी हुक्के को सटक मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते। यदि मित्र होते, यानी कि अगर कोई उनका मित्र आ जाता, आसपास से कोई भी व्यक्ति आ जाता, तो वो क्या करते, उनके साथ बातें करते, उनके साथ एक दूसरे की सुख दुख अपने बांटते, खुश रहते, और अगर नहीं होते तब भी वो पास में रखा हुआ जो उनका हुक्का होता है उसको मुंह में डाल लेते और ख्याल ही ख्याल में, यानी कि प्रकृति को देखते रहते, सोचते रहते, और वो जो संध्या का स्वप्न है उसको बिता देते। आज कुछ बादल थे, आज की बात है, आज कुछ बादल थे और घटा गहरी नहीं थी, बादल थे लेकिन जो आकाश में घटा थी वो बहुत ज्यादा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था, यानी कि बादल थे लेकिन कम थे, पूरा जो आसमान था वो ढका नहीं हुआ था और धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे, माधव दास जो है अपने मसनद के सहारे बैठे हुए थे और उन्हें जिंदगी का क्या स्वाद नहीं मिला, और वो सोच रहे थे कि उन्हें जिंदगी का क्या स्वाद नहीं मिला, कौन सी ऐसा सुख है जिंदगी का जो उन्हें नहीं मिला, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा लगता है। वो सोचते हैं कि ऐसा जिंदगी में कोई सुख नहीं जो उनके पास नहीं है, ऐसा कोई सुख नहीं है जो उनके पास नहीं है, पर फिर भी जिंदगी में कुछ खाली खाली लगता है, खाली सा रह जाता है। अब वो क्या है, उसी दिन संध्या के समय, अब जब माधव दास जी वहाँ पर बैठे हुए हैं अपने बगीचे में और इस तरह अपने बारे में सोच रहे हैं कि सब कुछ मेरे पास है लेकिन फिर भी मुझे अपने जीवन में कुछ खाली खाली लगता है, तो उस दिन संध्या के समय उनके देखते देखते सामने गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। अब वो देख रहे थे,
सोच रहे थे ये सारी बातों को, देख रहे थे, तो तभी क्या हुआ, उनके देखते देखते एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया आई और गुलाब की डाली पर बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी। चिड़िया सुंदर थी क्योंकि माधव दास जी जो हैं वो सुंदरता को ही पसंद करते हैं, उनको सुंदर चीजें पसंद हैं। तो चिड़िया भी उन्होंने देखा, वो बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार थे, स्याह थे, चमकदार स्याह यानी कि नीले थे। उसका नन्हा सा सर तो बहुत ही प्यारा लगता था। शरीर पर चित्र विचित्र चित्कारियां थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था। वो इस तरह से घूम रही थी, इस तरह से पेड़ पर उछल रही थी, इस तरह से पौधे पर उछल रही थी, मानो उसे माधव दास जी की सत्ता, सत्ता यानी कि अभी देखो जो ये पूरा राजपाट था, जो ठाट बाट था ये पूरा माधव दास जी का, इसमें किसी दूसरे का इंटरफेयर नहीं था, कोई दूसरे की रोक टोक नहीं थी। तो माधव दास जी अकेले उस सबके, उस पूरे बगीचे के, उस पूरे मकान के, उस पूरी हवेली के, उस पूरे इलाके के जो भी उनका एरिया था वहां के, वो अपने घर के वो राजा थे, अपने घर के वो राजा थे। कोई भी उनकी बात को नहीं टालता था, कोई भी उनकी मतलब एक तरह से सारे सुख उनको थे। तो आज ऐसा हुआ कि एक चिड़िया आकर उनकी डाल पर, उनकी गुलाब की डाल पर फुदकने लगी इधर से उधर। और माधव दास जी जो हर चीज पर अपना एकाधिकार समझते थे, उन्होंने देखा चिड़िया तो बहुत सुंदर थी, पर उन्हें लग रहा था कि इन्हें चिड़िया को यहाँ पर माधव दास जी के सत्ता का कुछ पता नहीं है। मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था, यानी कि वो इस तरह से उछल कूद रही, तरह से फुदक रही थी डाली से डाली। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको थोड़ा सा भी आराम नहीं चाहिए। वो कूदना पसंद करती है, वो फानना पसंद करती है, कभी हिलती थी तो कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी, यानी कि जैसा वो कूद रही थी, जैसे वो उछल रही थी, उससे लगता था कि वो बहुत हैप्पी है, बहुत ज़्यादा खुश है। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ वो निकाल रही थी, वो अपनी नन्ही सी चोंच से बहुत ही प्यारी प्यारी मीठी आवाज़ निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, यानी कि माधव दास जी को लगा कि अरे ये चिड़िया तो अपनी मनमानी चला रही है, बड़ी खुश है, जहां मर्जी उछल कूद कर रही है, जहां मर्जी बैठ रही है, जहां मर्जी फुदक रही है। तो उन्हें लगा कि ये चिड़िया बहुत बड़ी मनमानी है, उसकी उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी, यानी कि उसकी जो स्वच्छंदता है, उसकी जो स्वतंत्रता है, वो उन्हें बहुत प्यारी लग रही थी। कुछ देर वह इस कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे कुछ देर तक, क्योंकि वो खाली थे बिल्कुल। वो शाम का समय अपना पूरा वहीं पर बिताते थे, अक्सर प्रकृति के साथ ही वो बिताते थे, लेकिन आज उन्हें कुछ नया मिला था, एक छोटी सी चिड़िया मिली थी। तो बहुत देर तक वो उसी चिड़िया को देखते रहे, उसी को, उसी का उछलना, उसी का कूदना, उसी का फुदकना वो देखते रहे। और इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए थे। इस समय पर वो अपने मन का, जैसे होता है ना कि कई बार हम बोलते, जब अगर हम परेशान हो तो हमें थोड़ी देर प्रकृति में, खुले वातावरण में घूम लेना चाहिए, या फिर हमें अपने मित्र से बातें शेयर करनी चाहिए, या फिर हमें पानी में, कहीं पर पानी, नदी है, उसके किनारे में बैठकर पानी में पैर डालकर उसे इंजॉय करना चाहिए। काफ़ी जो हमारा डिप्रेशन है, बहुत सारा जो हमारे अंदर प्रेशर है, वो कम होता है। तो क्योंकि माधव दास जी के पास था तो सब कुछ, लेकिन एक अकेलापन भी था उनके साथ जो हमेशा उनको परेशान करता था। लेकिन आज उस चिड़िया के उछल कूद में माधव दास जी काफी कुछ अपना भूल चुके थे, काफी ऐसी चीजें थी जो उन्हें परेशान करती थी, तो कुछ क्षण के लिए ही सही वो अपनी उन बातों को भूल गए थे। उन्होंने इस चिड़िया से कहा, उन्होंने इस चिड़िया से कहा, अब माधव दास जी देख रहे हैं चिड़िया बहुत खुश है, एक डाल से दूसरी डाल पर फुदक रही है, कूद रही है, तो वो चिड़िया से अब बात करना चाहते थे। तो उन्होंने चिड़िया से कहा, आओ
तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। तो अब उन्होंने कहा चिड़िया से कि आओ, ये जो बगीचा है ये तुम्हारे लिए ही है, यानी कि ये बगीचा चिड़िया के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। यानी कि चिड़िया को कहते हैं कि चिड़िया तुम खुशी से, यानी अपने मन से खुश होकर खुशी से ये सोचो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है और तुम बेठके यहाँ आया करो। बेखटके यानी कि बिना किसी के रोके टोके तुम यहाँ आया करो, यहाँ उछला कूदा करो, यहाँ घूमा करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, यानी कि पहले वो बेफिक्री में माधवदास जी की बातों को सुनती रही। चिड़िया देखिए पहले क्या था कि माधवदास जी खुश हो रहे थे चिड़िया की, चिड़िया को देखकर, लेकिन अब उन्होंने चिड़िया से कहा कि चिड़िया तुमने सही किया तुम यहाँ आई, क्योंकि ये बगीचा तुम लोगों के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी आवाज से इस बगीचे की सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है, तुम्हारे उछलने कूदने से ये बगीचा और ज्यादा सुंदर लगता है, और ऐसा मानो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है और तुम बिना किसी के रोके टोके यहाँ आया जाया करो। तो चिड़िया पहले तो इस बात को सीरियस लेकर, बिल्कुल सीरियस नहीं हुई इस बात को लेकर, क्योंकि उसको लगा कि ये सामान्य सी बात है, नॉर्मल सी बात है। फिर जानकर की बात उससे की जा रही है तो वो एक घबराई। तो देखिए कई बार क्या होता है कि हम आपस में बातें करते हैं तो चिड़िया के को नहीं पता कि चिड़िया को भगाया जा रहा है या उससे कुछ बात की जा रही है या उसे बुलाया जा रहा है। तो सेम यहाँ पे चिड़िया के साथ भी हुआ, तो उसको लगा कि माधव दास जी खुद में कुछ कह रहे हैं या किसी और से कुछ कह रहे हैं, लेकिन जब उसे समझ में आया कि बात उसके लिए हो रही है तो चिड़िया थोड़ा सा घबरा गई और फिर संकोच को जीत कर बोली, अपने मन के संकोच को उसने थोड़ा सा कम किया और उसको जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी यहाँ से जाती हूँ, पल भर सांस लेने के लिए यहाँ टिक गई थी। तो जब चिड़िया ने देखा कि माधव दास जी उसी से बात कर रहे हैं तो चिड़िया ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि ये बगीचा आपका है, मैं कुछ क्षण सांस लेने के लिए यानी कि कुछ थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए, आराम करने के लिए आपके इस बगीचे में आई थी। मैं ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकूंगी, मैं अभी यहाँ से चली जाऊँगी। माधव दास जी ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा ही है और यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है। अब माधव दास जी कहते हैं कि हाँ सही समझा तुमने, बगीचा तो मेरा ही है और ये संगमरमर की जो कोठी है ये भी मेरी है, लेकिन तुम सबको अपना समझ सकती हो, यानी कि तुम इस सबको अपना समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत कुछ खुश है। तो माधव दास जी खुश हुए। माधव दास जी ने चिड़िया से कहा कि प्लीज तुम यहाँ से मत जाओ, ये बगीचा भी मेरा है और ये पूरी कोठी भी मेरी है और तुम इन सबको अपना समझ सकती हो, तुम अपना समझकर यहाँ रहो, क्योंकि तुम बहुत भोली हो और तुम बहुत प्यारी हो, तुम यहाँ से बिल्कुल मत जाओ और मैं मुझे तुमको देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। DIC रीता खाल, चैप्टर रीड कौन करेगा? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा, आइए। चिड़िया बहुत कुछ सब कुछ आ गई, उसे बोध हुआ कि है उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है, उसका उसका थिरकना रुक गया, थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। तो चिड़िया ने जब माधव दास जी की बात सुनी, चिड़िया थोड़ा सा सकुचा गई, यानी कि वो थोड़ा सा डर गई, उसको लगा कि उससे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई कि वो यहाँ बैठ गई, यानी कि उसको लगा कि यहाँ बैठकर उसने कोई गलती तो नहीं कर दी, और अब उसका थिरकना यानी कि अभी तक जो उसके पंख एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक रहे थे, कभी वो इधर फुदक रही थी कभी वो इधर फुदक रही थी,
कभी वो उड़ रही थी, कभी वो चल रही थी, कभी वो बैठ रही थी, तो अब उसका वो थिरकना रुक गया और वो भयभीत हो गई, अंदर से बहुत ज्यादा डर गई और वो कहने लगी कि मैं तो यहाँ थक कर बैठ गई थी, मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी, ये बगीचा ये कोठी आपकी है, मुझे माफ करें। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मेरा महल भी सोना है, वहाँ कोई भी छह चाहता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहल रागनियों रहेगा, तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की। तो माधव दास जी ने कहा कि भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित होता है। जैसे कि मैंने बताया ना शुरुआत में, हमने देखा कि माधव दास जी के पास सब कुछ है, उनके पास कोठी है, उनके पास बगीचा है, उनके पास खाने की कोई कमी नहीं, उनके पास धन की कोई कमी नहीं, उनका जो उनकी जो रुचि है, उनका जो एक और देखिए सबसे मेन बात कि उनको किसी चीज की लत भी नहीं है, यानी कि कोई चीज का व्यसन भी उनके अंदर नहीं है, तो बहुत ही एक तरह से वो दोनों तरह से रिच है, अपने स्वास्थ्य से, अपने मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, और दूसरा अपने धन से भी वो हर तरह से रिच है, हर तरह से वो अमीर है, हर तरह से उनके पास सब कुछ है, सर्व संपन्न है वो हर तरह से, लेकिन उनके जीवन में एक ही उनको दुख है कि उनको अकेलापन है, उनके आसपास कोई नहीं है। तो जब ये चिड़िया वहां पर आती है तो उसको देख के माधव दास जी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो माधव दास जी कहते हैं, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित होता है। प्रफुल्लित होना यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना, चित्त यानी कि मन, ठीक है। मेरा महल भी सोना है, यानी कि मेरे महल में भी और कोई नहीं है, वहां कोई नहीं चहचहाता, यानी कि ना कोई वहां पर छोटा बच्चा है, ना ही वहां पर कोई और लोग हैं, तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा, यानी कि जो मेरा जो मन है, मेरा जो मेरा बाग बगीचा जो है, मेरी जो चीजें हैं, उनका भी दिल लगा रहेगा, क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो, तुम यहीं क्यों नहीं रहती। चलिए कोई और बच्चा पढ़ना चाहेगा। DIC कोर्ट कंडारा, माइक ले लीजिए बच्चा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, चलिए शुरू कीजिए। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी, अब सांच हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया पागल मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल मैं चलो जाने क्या क्या ना पाओगी, मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली चिड़िया गुड़िया। बस तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि चिड़िया, जब माधव दास जी ने ऐसा कहा कि तुम यहीं पे रह लो, तो चिड़िया बोली, नहीं मैं, आप बैठ जाइए बच्चा, कोर्ट कंडारा, DIC कोर्ट का नारा, बच्चे बैठ जाइए। तो चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने में जरा सा घर से उड़ आई थी, अब सांझ हो गई है और मुझे माँ के पास जाना है, और मैं अभी अभी यहाँ से जा रही हूँ, आप बिल्कुल भी सोच ना करें, यानी कि आप ज्यादा प्रेशर ना लें मेरी वजह से अपने आप पे, मैं बस निकल ही रही हूँ यहाँ से। तो माधव दास जी ने कहा कि प्यारी चिड़िया पागल मत बनो। अब माधव दास जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया है, कहते हैं, प्यारी चिड़िया पागल मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है,
कैसे बाहर, यानी कि उनके पास तो बहुत सुंदर बगीचा है, वहां पे वाटर का पानी का फाउंटेन लगा हुआ है, एक तरह से फव्वारा लगा हुआ है पानी का। तो वो क्या कह रहे हैं, देखो वह पानी खेल रहा है, यानी कि फव्वारा कैसा होता है, इस तरह से फाउंटेन लगता है तो पानी ऊपर को जाता है फिर ऐसे ऐसे नीचे आता है। तो वो माधव दास जी कहते हैं वो देखो पानी खेल रहा है और गुलाब हंस रहा है और भीतर महल में तो न जाने क्या क्या पाओगी, मेरा दिल वीराना है, यानी कि मैं बहुत अकेला हूँ, मेरा मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं है, मेरे साथ कोई हंसने वाला नहीं है, मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है। तो यहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, यानी कि मेरे महल में कब किसी की आवाज सुनने को मिलती है, क्योंकि एक अकेला आदमी किससे बात करेगा। तो वो कहते हैं कि यहाँ कभी किसी की हंसी सुनने नहीं मिलती। तुम मेरे पास बहुत सारा सोना और मोती है, सोने का एक घर में तुम्हारे लिए बनवा दूंगा और उसमें मोतियों की झालर लगवा दूंगा, और तुम मुझे खुश रखना, यानी कि तुम मुझे हमेशा अपना गाना सुनाना, मेरे साथ खेलना, मेरे साथ खाना खाना, मेरे साथ उठना बैठना, तो तुम मुझे हमेशा खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, यानी कि तुम एक चिड़िया हो, तुम्हें एक छोटा सा अन्न का दाना चाहिए खाने के लिए, रहने के लिए छोटा सा घर चाहिए, पानी के लिए पीने के लिए दो बूंद पानी चाहिए, और उसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए। और फिर भी मेरा जो महल है यहाँ पे तो सारी चीजें भर भर के रखी हुई हैं, जो तुम्हें खाना है, जैसे तुम्हें रहना है, जहाँ पे तुम्हें उड़ना है, जो चाहो कर सकती हो। तो अब चिड़िया को कह रहे हैं कि और तुम्हारी माँ के पास क्या है, कुछ भी नहीं। चिड़िया कहाँ रहती है, चिड़िया कहाँ रहती है, कौन बताएगा, चिड़िया कहाँ रहती है, जिस चिड़िया को आप देखते हैं उड़ते हुए, कहाँ रहती है चिड़िया, यस रीता खाल। और बच्चों को नहीं पता चिड़िया कहाँ रहती है, माइक ले लीजिए, यस बच्चा कहाँ रहती है चिड़िया। मैम चिड़िया घोंसले में रहती है। वेरी गुड, चिड़िया का तो घर एक घोंसला होता है, और घोंसला कहाँ पे होता है, पेड़ों पे। मैम पेड़ पे, घोंसला होता है पेड़ों पे, और उसका खाना क्या होता है, क्या खाती चिड़िया। मैम कीड़े मकोड़े। यस, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, कीड़े या कहीं पे कोई अन्न का दाना मिल गया तो उसको उठाकर ले आती है, है ना। तो यहाँ पे जो माधव दास जी है वो कह रहे हैं कि और तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी माँ के पास क्या है, यानी कि माँ के पास तो कुछ भी नहीं है, एक टूटा फूटा सा घोंसला है और उसके उसमें दो चार अन्न के दाने। चलिए बैठ जाइए बच्चा, वेरी गुड। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। तो वो कहते हैं कि तुम मेरे महल में ही रहो और तुम यहाँ रहोगी तो बहुत सुख से रहोगी, तुम मेरी प्यारी सी भोली सी गुड़िया हो, ठीक है। तो इस तरह से माधव दास जी चिड़िया को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं कि प्यारी चिड़िया तुम मेरे महल में ही रहो, तुम यहाँ रहोगी तो खुश रहोगी और तुम्हें बहुत सारे अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा और बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। तो आज हमने जितना भी यहाँ पर पढ़ा है, इस चैप्टर को आप अपनी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग दो से एक बार घर पर रिवाइज करेंगे, घर पर पढ़ेंगे चिड़िया की कहानी के बारे में, उसके बाद अपने इस सेशन को, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।